आज हमारे साथ हैं दिल्ली में महंत विनोद भारती, और हम जानते हैं कि दिल्ली की क्या चुनावी माहौल चल रहा है। बाबा, मैं देख रहा हूं कि मनोज तिवारी जी के साथ आप हमेशा नजर आ रहे हैं, क्या वजह है कि आप इतने बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हेलो, सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण। ओके, और संजय भूषण जी को भी धन्यवाद जो ये सवाल पूछ रहा है। मनोज तिवारी जी का सपोर्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि पहला हम एक भोजपुरी भाषा भाषी के व्यक्ति हैं, और मनोज तिवारी जी एक ऐसे हमारे जो है प्रिय भोजपुरी के कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, जो हमारे भाषा को विदेशों तक पहुंचाए और भाषा को इतना आगे बढ़ाए कि हर जगह हमारी भाषा का सम्मान मिला। इसलिए मनोज तिवारी जी का पर्सनल हम सपोर्ट करते हैं। कैसा माहौल क्या है, आप क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, जनसभा में हिस्सा ले रहे हैं, बार बार आपको देखा जा रहा है कि मठ में मंदिर में जाकर के आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, मनोज तिवारी के पक्ष में कमल पे वोट पे ही आप वोट डाले। सबसे पहला नंबर बात है कि मठ मंदिर जितनी है वो भारत के समाज के आंख और कान होता है, और मठ मंदिर में इसलिए मनोज जी जाते हैं क्योंकि एक स्वयं वो धार्मिक व्यक्ति है। और दूसरी नंबर बात, जो मनोज तिवारी जी का सरकार, जो मोदी जी जो धर्म के लिए कार्य किया है, जो 500 वर्ष के बाद जो ऐतिहासिक कार्य किया है, जो सम्मान दिया है, वह सम्मान के लेकर हम इतने उनके जो है फिदा हो गए कि मनोज जी के साथ चलने के लिए हम और धर्म के जय करने के लिए 24 घंटा तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, यह हमारा मोदी जी और उनके सहयोगी मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत इसका धन्यवाद हम देंगे, क्योंकि 2014 से हम मोदी जी के नेतृत्व में मनोज जी के साथ में हम पार्टी का बेगर सदस्य रहते हुए और धर्म कार्य और देश कार्य को करते हुए देश हित और धर्म हित के लिए हम मनोज जी और मोदी जी के साथ है। और क्षेत्र में हम घूम रहे हैं तो इतना जरूर हम देख रहे हैं कि हमारे जितने सनातन धार्मिक लोग हैं, जितने हिंदू हैं, वो सब आज इस बात से एक हो गए हैं कि 500 वर्ष में महंगाई और बेरोजगारी यदि घाटा और बढ़ा नहीं तो यदि महंगाई बेरोजगारी के फेर में हमारे हिंदू समाज नहीं फंसने जा रहा है, हमारा हिंदू समाज अपना धर्म के लिए इस बार कट्टर होने जा रहा है, और हमारा हर जगह कट्टरता दिखाई दे रहा है कि अपने धर्म के लिए हमारे हिंदू समाज इस बार मनोज तिवारी जी को फूल बहुमत, भारी बहुमत से विजय कराएगा। अभी हाल ही में आपको बागेश्वर सरकार के साथ देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे, मनोज जी के पक्ष में आप लोग कर रहे हैं, कैसा रहा बागेश्वर से आपकी मुलाकात? बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से हमारा भेंट सांसद भाई मनोज तिवारी जी के माध्यम से हुआ, और हम एक सबसे पहला नंबर बात की एक 22-25 साल का लड़का धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारा धर्म का जय मंच से कर रहा है और सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो अपने आप को समर्पित किया है, यदि हम मठ मंदिर वाले उनका उसका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले समय में नौजवानों का जो है सपना जो है टूट जाएगा और भंग हो जाएगा। इसलिए सनातन धार्मिक के हिंदुओं के जो भी हमारा कार्य हुआ है वो हमेशा धर्म का कार्य रहा है, इस धर्म के कार्य के लेकर, हिंदू राष्ट्र के मान के लेकर हम धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है, सहयोग है। भारती जी, आपका हिंदुस्तान में कहाँ का मठ है और आप किस मठ के महंत हैं? हिंदुस्तान में तो हमारे दस नामी के बहुत सारे मठ हैं। अभी हम प्रेजेंट में दिल्ली
प्राचीन शिव मंदिर डांग वाला मोहब्बत नाथ मठिया ग्राम डेरा के हम महंत हैं और वहाँ हमारी धर्म की आस्था भाव सब जुड़ी हुई है। उस मठ से जब तक जिएंगे तब तक जुड़ा रहेगा। क्या कुछ वहाँ पर आपका मठ में होता है? जैसे कि मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, मैंने देखा कुछ गाय हैं, नील गाय हैं, मोर है, इस सबकी सेवा भाव में आप लगे रहते हैं, और क्या क्या है वहाँ पर? जो हमारा मोहब्बत नाथ मठिया है, इस मठिया का परंपरा है कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो यह मठिया में जो हमारा सनातन संस्कृति को जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था जो होता था, उसका पहला हमारी जो है वहाँ आप देखे होंगे गौशाला है, जिस दशनामी गौशाला में 40-45 गौ का सेवा होता है, उसको माँ समझा जाता है। हमारे मठिया में जो है मोड़ है, 100-150 मोड़ आप देखे होंगे, उनका सेवा होता है, सुबह शाम उनको जो है दाना दिया जाता है। प्लस जो भी हमारे दिल्ली या आसपास के जो भी हमारे भगत जगत आते हैं, तो उनको इतना जरूर समझ में आता है कि सनातन संस्कृति को यदि कोई बचा कर संयोग कर रखा है, वो मठ मठिया ही आज है कि रखा है। अपने दिल्ली की जनता को, जो मनोज तिवारी के क्षेत्र के हमारे जो वोटर हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता से हम एक ही बात कहेंगे, दिल्ली के साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता से, दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जनता को हम एक ही बात कहेंगे कि एक बार यदि आप हम जिसके साथ है उसको समझो। मनोज तिवारी एक भोजपुरी का सुपरस्टार हीरो है। आज हमारे देश में हर घर का नौजवान लड़का चाहता है कि हम एक हीरो बने और एक सुपरस्टार हीरो, और अपना जो है हीरोगिरी का कार्य छोड़कर जनता को सेवा करने चल दिया, ये कितनी बड़ी बात है। तो यह जो है मनोज तिवारी को देखकर हमें यह समझ में आता है कि मनोज तिवारी अपने कर्म के बल पर, अपने कर्म को करते हुए पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा को सम्मान बढ़ाए, और आज यदि फिल्म के माध्यम से सम्मान दिए तो आज पार्टी के नेता बनने, सांसद बनने के बाद भी हमको लगता है कि 2014 से जो जनता का सेवा क्षेत्र में किए हैं और जो कार्य किए हैं, वो गणना का जो है गण कर बताने का मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सेवा में हमको दिखाई दे रहा है 14,000 करोड़ का काम क्षेत्र में मनोज जी किया है। तो जिस क्षेत्र में मनोज जी 14,000 करोड़ का सेवा किया है जनता के लिए, उस जनता से तो हम आशा लगाए हैं, और उस जनता से भी हम चाहते हैं कि इस बार ऐतिहासिक विजय दिलाई जाए, और हम वादा करते हैं कि मनोज जी यदि इस बार ऐतिहासिक वोट से जीतते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनको जो है हम आशा करते हैं कि मंत्री बनाएंगे, और मंत्री बनाएंगे तो क्षेत्र में दोगुना डबल काम होगा, ये हमारा दावा है। अपने महंत से, अपने लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने लोगों से यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे सारे क्षेत्र के, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जितने मठ मंदिर हैं, सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के नजर के सामने एक केजरीवाल सरकार मस्जिदों के मौलानाओं को सैलरी दे दिया, लेकिन आप लोगों को एक भगवान के सामने दीपक जलाने के लिए रोई भी नहीं दिया, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। आप लोगों को अभी भी एकजुट हो जाना चाहिए, और एकजुट होकर ऐसे ऐसे धर्म के गद्दारों को, जो हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिर को अहल्ला किया, उसको तो ऐसी सबक सिखाया जाए कि हमारे धर्म को अहेलना करने वाला एक बार भयभीत हो जाए, एक बार कांपे और याद करे कि नहीं एक बार सनातनी जग गया है। मनोज तिवारी के जो सामने हमारे खड़े हैं कांग्रेस से, कन्हैया कुमार, बहुत ही कंपटीशन में उनका चल रहा है, इस पे आप कुछ कहना चाहें? कन्हैया कुमार का इतिहास है कि भारत को टुकड़ा करने का जो है जो संकल्प कन्हैया कुमार लिया, वो बाबर अकबर के समय था, अंग्रेजों के समय था, वो गलत निर्णय ले लिया जो भारत को टुकड़ा कर देंगे, अफजल को घर घर में पैदा कर देंगे,
अरे ये तो तुम समझ कि यह राम राज है, यह राम मंदिर बन गया, अब राम राज होने जा रहा है। तुम्हारा न यह नारा चलेगा न तुम्हारा कार्य चलेगा, तुम्हारा तो जमानत जब्त करके इस बार दिल्ली से जनता तुमको भेजेगी। धन्यवाद। ओम नमो।